फाइनली जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके बाद एक स्ट्रेस रिलीजर आने वाला है बहुत जल्द। जी हाँ, सलमान खान शूटिंग शुरू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 14 के लिए। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सीजन 14 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इस बार तो बहुत सारी चीजों के लिए एक्साइटमेंट भी है कि कौन कौन कंटेस्टेंट्स होंगे। ऑफ कोर्स उसके अलावा पिछले सीजन को क्या इस बार का सीजन ओवरलैप कर पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या कुछ इस बार न्यू थीम होने वाली है, घर कैसा होने वाला है, क्वारंटाइन का क्या कुछ इस बार होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने 1 अक्टूबर को शूटिंग शुरू करनी है बिग बॉस सीजन 14 की। जी हाँ, ये खबर रिसेंटली आ रही है सोर्सेज के जरिए कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है बिग बॉस का प्रीमियर शूट होगा 1 अक्टूबर को, और उसके बाद सलमान जो है वो शूट में बिजी हो जाएंगे, अपने राधे की शूट को रिज्यूम करेंगे वो, कीपिंग इन माइंड एवरी लॉकडाउन एंड एवरी पैंडेमिक सेफ्टी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीमियर जो है वो टेलीकास्ट होगा 4th को। जी हाँ, यानी कि बिग बॉस इज ऑल सेट टू गो ऑन एयर फ्रॉम 4th ऑफ अक्टूबर। कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं एंड देखना ये होगा कि कब जो है एपिसोड जल्द से जल्द टेलीकास्ट होता है, और धीरे धीरे प्रोमोज भी एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। तो आप लोग बिग बॉस के लिए इस बार कितने एक्साइटेड हैं ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब तो कंगना रनौत ने ओपन चैलेंज दे दिया है उद्धव ठाकरे और करण जौहर क्लान को। जी हाँ, क्या कुछ कहना है कंगना का, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत का जो ऑफिस है उसको डेमोलिश कर दिया गया है थ्रू BMC, और ये तमाशा कल पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि कंगना ने उसके बाद एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में कंगना ने बड़े ही प्यार के साथ लिखा है कि कम उद्धव ठाकरे एंड करण जौहर एंड द बॉलीवुड माफियाज, तुम लोगों ने मिलकर मेरा ऑफिस तोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब मेरा घर भी तोड़ दो, उसके बाद मेरी गाड़ी भी तोड़ दो, उसके बाद मेरा थोबड़ा भी तोड़ दो और मुझे भी तोड़ दो, बट आई विल एक्सपोज यू वेदर आई एम अलाइव और नॉट। आई वॉन्ट पीपल टू सी कि ये किस तरह से होती हैं चीज़ें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें इन चीज़ों को और समझ सकें, और फिर उनको अकल आए कि उन्होंने किन लोगों को, किन गलत लोगों को जिम्मेदारियाँ पकड़ाई है, किन गलत लोगों को आदर्श बनाया है और किन गलत लोगों को आइडलाइज करते हैं हिंदुस्तान में बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के कुछ लोगों को। अब मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ कंगना ने जो ये लिखा कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन वेदर आई लिव और नॉट बट आई विल एक्सपोज यू चाहे जो भी हो जाए, इस तरह की बात कंगना ने कह दिया कि अगर मैं जिंदा रही तो मैं एक्सपोज तो जरूर करूंगी, और अगर नहीं भी रही तो भी तुम्हारी करतूतों से ये जो है चीजें ये एक्सपोज हो चुकी होंगी। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड के सिंगर, रैपर एंड MTV रोडीज के मेंटोर रफ्तार से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, क्या कुछ ये है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कोरोना वायरस का डर और खौफ इस वक्त उतना ही है, बस ये है कि लोगों ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है, और इसी के चलते केसेस जो है वो लगातार ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी सबसे रिसेंट लिस्ट में शामिल हो गए हैं रफ्तार। जी हाँ, रफ्तार पाजी जो कि बहुत ही उम्दा रैपर हैं, बहुत ही उम्दा सिंगर हैं, एंड ऑफ कोर्स आपने उनको MTV रोडीज में देखा हुआ है कई अरसे से, वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त से रोडीज के ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे थे और उसके बाद से शूट्स भी शुरू होने की कगार पर हैं। कई जगह पर लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, और कोविड के साथ रहते हुए आप धीरे धीरे जो है कोविड से एडजस्ट करते हुए आपको जिंदगी बितानी है, लेकिन फिर भी रिस्क का खतरा बना हुआ है। और रिसेंट खबर यही है कि रफ्तार जो है उनको कोविड पॉजिटिव वो आए हैं, उनका टेस्ट किया गया है और उन्हें अभी क्वारंटाइन करके रखा गया है, वो उनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। देखना ये होगा कि कब चीज़ें रिजॉल्व होती हैं और कब तक रफ्तार जो है वो ठीक होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतनी ही उम्मीद करते हैं दैट मे ही हैव अ स्पीडी रिकवरी। एंड क्या कुछ आप कहना चाहेंगे रफ्तार के लिए, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। Thank you.
अरे क्या है इतनी जागत में नमस्कार, मैं हूं अध्ययन सुमन। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी से कि प्लीज मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविजन पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूं, जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। तो प्लीज मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूं और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है। ओनली बिकॉज यू गाइज हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोग ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू एंड प्लीज डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू। वी वॉन्ट सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वी डिजर्व टू नो द ट्रूथ। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।